वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज हम लोग 10th क्लास के साइंस के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 10th स्टैंडर्ड में भी और हायर स्टैंडर्ड में भी जब आइएगा आप तो वहाँ पे भी रेसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग कई बात इसमें हम लोग कई बेसिक बातें जानेंगे कि रेसिस्टेंस है क्यों, क्या रेजिस्टेंस क्यों होता है किसी वायर में या रेजिस्टर में, और रेजिस्टेंस के बेस पे ऑब्जेक्ट को तीन टाइप में डिवाइड करते हैं तो वो क्या क्या है, इन सब बातों को इस स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रेजिस्टेंस है क्या और क्यों होता है ये। तो चूंकि इस चैप्टर में हम लोग मेटल के बारे में और मेटालिक कंडक्टर या मेटालिक रेजिस्टेंस के बारे में जानना है तो हम लोग मेटल का ही एग्जाम्पल लेके स्टडी कर रहे हैं। ये सपोज कीजिए एक मेटल का वायर है, हमने थोड़ा मोटा सा वायर बना दिया ताकि इजी हो समझने में, ये है पतला वायर इसको मोटा में हम एज्यूम कर रहे हैं। किसी भी मेटालिक वायर में ये मेटल होगा प्लस के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन माइनस, फिर मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, नीचे वैसे ही इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इलेक्ट्रॉन माइनस, मेटल प्लस, इस तरह से अरेंज रहता है। एक एटम है और उसका इलेक्ट्रॉन है, तो जब इधर से कोई इलेक्ट्रॉन सप्लाई आता है, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई किए, करंट आया, अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इसमें और ये इलेक्ट्रॉन फिर उठ के यहाँ आता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन उसके यहाँ आता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाता है, ये बाहर अगर कहीं प्लेस है तो जाता है, ये मूवमेंट का वे हुआ। अब इस वे में क्या है कि ये एटम या मेटल का पॉजिटिव आयन है या एटम है किसी भी तरह का, तो वो एटम इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अट्रैक्ट करके रखे रहेगा। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अट्रैक्शन होगा, तो इसी अट्रैक्शन के कारण इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो रेसिस्ट करेगा, दिस एटम रेसिस्ट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ करेंट या फ्लो ऑफ करेंट, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करेंट। तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। तो डिफाइन कर दे रहा हूं, रेसिस्टेंस क्या हुआ, टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट the flow of current यानी यहां इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है through it is called resistance ऑफ द वायर हो जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का ये रेसिस्टेंस होगा। रेसिस्टेंस के लिए एक दूसरा एक्सपेरिमेंट हम लोग एक्टिविटी यहां देख रहे हैं, ये सर्किट है, इस सर्किट में ये हमारा दो सेल लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव इंड है, इससे इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट को हम लोग ऐसे मानते हैं, आमीटर है जो कि करंट का रीडिंग देगा। यहां पे हम कोई चीज अटैच कर रहे हैं, सपोज कीजिए यहां पे हम पहली बार में एक्स और वाई के बीच में यहां पे कोई नाइक्रोम का वायर ले लिया, हमने नाइक्रोम का वायर ले लिया, इस नाइक्रोम के वायर से होके जब करंट फ्लो होगा तो इससे करंट का वैल्यू सपोज कीजिए कुछ भी है, सपोज कीजिए कि 2 एम्पियर का करंट है। अब हम इस नाइक्रोम के वायर के जगह पे दूसरा कोई बल्ब लगा दे रहे हैं,
जैसे टॉर्च वाला बल्ब आता है ना उसको लगा देंगे, तो ये 2 एम्पियर बदल जाएगा। यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज जो दे रहे थे वही दे रहे थे। इस एक्स वाई के बीच के कनेक्टेड मटेरियल को चेंज कर रहे हैं तो करंट का फ्लो क्या हो जा रहा है, कम या अधिक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये करंट को कम या अधिक जाने दे रहा है। तो जैसे कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या इज इक्वल टू आई आर, इसमें हमको आर के बारे में जानना है तो आर इज इक्वल टू लिख ले रहा हूं। आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई। अब आप अगर v को कांस्टेंट रख रहे हैं, v में कोई चेंजिंग हमने नहीं किया है, यहां पे इस एक्टिविटी में v को कांस्टेंट रखा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, r प्रोपोर्शनल टू 1/i, यानी कि करंट ज्यादा तो r कम और करंट कम तो r ज्यादा। तो रेसिस्टेंस क्या है, वो करंट को मेजर कर रहा है, अगर ज्यादा करंट को पास होने दे रहा है तो रेसिस्टेंस कम है, और करंट कम पास कर रहा है तो रेसिस्टेंस ज्यादा है। ऐसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो हुआ वो इस पे यूज होगा। अभी रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट की बात करें रेसिस्टेंस, ये ओम्स लॉ, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे इस ऐसा यूनिट भी रेजिस्टेंस का ओम होता है, और ओम का साइन ग्रीक वर्ड है, ये इसका मतलब ओम हुआ। तो ये ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस का। दूसरी बात इसमें हम लोग जानेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेजिस्टेंस कम है, ज्यादा है या मीडियम है, तो इस बेस पे ऑब्जेक्ट को तीन तरह से डिवाइड कर देंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो पहला हुआ कंडक्टर या गुड कंडक्टर या गुड कंडक्टर, ये क्या होता है, ये होता है जिसकी जिसमें रेसिस्टेंस क्या हो, बहुत कम हो, लो रेसिस्टेंस, जिसमें मेजरेबल रेसिस्टेंस नहीं हो, बहुत कम रेसिस्टेंस हो। जैसे मैं आगे आपको कॉपर है, सिल्वर है, सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है। दूसरा जो इसका टाइप हुआ वो है आपको रेसिस्टर किसको कहते हैं, जिसका रेसिस्टेंस मॉडरेट हो, विथ मॉडरेट रेसिस्टेंस। जिस ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस मॉडरेट होगा वो क्या कहलाएगा, रेसिस्टर कहलाएगा। तो नाइक्रोम का वायर जो है उसका रेसिस्टेंस जो होता है मॉडरेट होता है, न ज्यादा कम न ज्यादा न कम, बीच का होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेसिस्टर कह सकते हैं। और जिससे हो के कंप्लीटली कंडक्ट हो जाता है, जैसे कॉपर का वायर है और एल्युमिनियम है, सिल्वर है, तो ये सब हमारा कंडक्टर कहलाता है। नेक्स्ट थर्ड है आपका नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर को बैड कंडक्टर भी बोलते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर क्या हुआ, जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो वेरी हाई रेसिस्टेंस। तो इस तरह से आपने देखा रेसिस्टर क्या हुआ, किसी भी ऑब्जेक्ट में एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा पकड़े हुए रहता है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में
थोड़ा परेशानी आती है, रेसिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को, तो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट करंट के, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही तो करंट होता है, तो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, उसी टेंडेंसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। दूसरी बात हुई कि रेसिस्टेंस होता, रेसिस्टेंस का वैल्यू वी बाई आई, ओम्स लॉ से वी इक्वल टू आई आर होता है, और रेसिस्टेंस जो होता है वी बाई आई के इक्वल हो जाता है, रेसिस्टेंस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर वोल्टेज को हम लोग कांस्टेंट रख दे रहे हैं तो रेसिस्टेंस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जहां ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है उसका रेसिस्टेंस कम माना जाता है, जहां कम करंट फ्लो हो रहा है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा माना जाता है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम हो गया, ओम ये ग्रीक वर्ड है, और ऑब्जेक्ट को तीन टाइप में बांट दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस्टेंस। हाई रेसिस्टेंस होगा तो बैड कंडक्टर, लो रेसिस्टेंस होगा तो कंडक्टर, और मीडियम रेसिस्टेंस होगा तो उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर भी ऑब्जेक्ट है जिसमें मॉडरेट रेसिस्टेंस होता है, और इसको यूज करके करंट को कंट्रोल किया जाता है। फैन में होता है ना रेगुलेटर, उससे क्या करते हैं हम लोग रेसिस्टेंस अप्लाई करके करंट को कम कर देते हैं, जिससे कि फैन स्लो हो जाता है, और वही रेजिस्टेंस कम अगर जोड़ेंगे तो करंट ज्यादा हो जाएगा और फैन तेज चलेगा। यानी कि वो रेगुलेटर जो होता है जो करंट को बढ़ाता घटाता है, उसमें रेसिस्टेंस ही हम लोग देते हैं, रेसिस्टर देते हैं, जिससे कि रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट का अमाउंट घट जाता है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, रेसिस्टर। ओके, तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।